तीन तीन करोड़ रुपये टिकट बेचने वाले पार्षद के अंदर, और दिल्ली में टैंकरों का धंधा करने वाले और बिजली के चोरी करवाने वाले ईमानदार कैसे हो सकते हैं? झूठ तो सवाए केजरीवाल को कुछ भी नहीं गा। पंजाब च भी झूठ मारी जाते, कोई विकास नहीं कर रहे पंजाब च। केजरीवाल जी पंजाब में विकास नहीं कर रहे ना, कोई विकास नहीं कर रहे, सिर्फ झूठा की सरकार है केजरीवाल दी। जो लोग देखो, मेरी बीवी अगर दूसरे की तारीफ करेगी तो हर आदमी को पता लगेगा ना। बस यही है बीजेपी के अंदर कि जहाँ के रहते हो वहाँ के गुण गाओ, ये नहीं कि रहते हिंदुस्तान में पाकिस्तान के वो करो तारीफ है। सर, जिस तरीके से गुजरात में एक बड़ी जीत बीजेपी को नजर आ रही है, मिल चुकी है, तो क्या संदेश गया है 2024 के लिए, क्या नींव रखी जा चुकी है? 2024 में 400 सीटें आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, सारे देश नरेंद्र भाई मोदी का सम्मान कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले गुजरात की जनता ने बताया है कि आने वाला भविष्य जो है भाजपा का है। 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलेगी और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 2024 में 400 सीटें जीतकर भाजपा दोबारा सत्ता में आ रही है। इसलिए उनको दिमागों से ये बात निकाल देनी चाहिए कि केजरीवाल के झूठे वादे और राहुल गांधी की झूठी कश्तियाँ मैदान छोड़कर भागने वाले जो स्टाइल हैं वो देश के काम आने वाले नहीं हैं। इसलिए देशी जनता ये बात जान चुकी है कि अब देश का भविष्य जो है मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है। राहुल गांधी जी के हाथ में अगर भविष्य जाए तो किस तरीके से देखते हैं? वो अपना भविष्य नहीं बना पा रहे हैं, कांग्रेस का भविष्य खराब कर दिया उन्होंने, देश का भविष्य तो और ज़्यादा खराब कर देंगे। तो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए ऐसा है, भारत जोड़ो यात्रा वो जब उनकी कामयाब हो सकती है जब वो कांग्रेस के लोगों को डेली लोग भाग रहे हैं उनके। आज कई MLA भागने को तैयार हैं, अपना वोट तो ट्रांसफर कर रहे हैं वो आम आदमी पार्टी में, भारत को क्या जोड़ेंगे। एक सवाल सबसे ज़्यादा जो बीजेपी पे उठता है कि बीजेपी मुसलमानों की विरोधी है, मुसलमानों को अपने पार्टी में नहीं रखती, दरकिनार करती है, उनके विरोध में खड़ी रहती है, तो आप किस तरीके से देखते हैं? ये वही लोग कहते हैं जो खुद विरोधी हैं, जिन्होंने 70 सालों से मुसलमानों को धोखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी किसी मज़हब की जाति की बात नहीं करती है। नरेंद्र भाई मोदी ने जो सियासत की है वो जाति समाज से उठ के की है, इसलिए भाजपा किसी मज़हब का नाम, जाति का नाम नहीं लेती है। देश के 135 करोड़ लोगों के लिए काम करती है। सबका विकास, सबका विश्वास उस इसका नारा है, वो कामयाब हुआ है और वही कीर्तिमान बनाता जा रहा है। देश आगे बढ़ रहा है नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में और आगे बढ़ेगा। एक नया नाम जुड़ा है केजरीवाल जी का, MCD में जीत हासिल की है, तो क्या लगता है? कोई जीत नहीं हुई है, कांग्रेस ने अपना वोट ट्रांसफर कर दिया है, इन्होंने अपना वोट हिमाचल में ट्रांसफर कर दिया है। अंडरस्टैंडिंग है, नूरा कुश्ती है, स्लीपिंग पार्टनर एक दूसरे के, कोई जीत नहीं हुई है। भाजपा का अपना वोट बढ़ा है, इनका कोई वोट नहीं बढ़ा है। टक्कर में आ चुके हैं प्रधानमंत्री, टक्कर वक्कर नहीं है, ये चोर मोसेरे भाई हैं और रात को साथ में मिलते हैं, एक साथ बैठ के एंजॉय करते हैं और सुबह को भाजपा को गालियां बकते हैं। आप उनको चोर बता रहे हो तो ईमानदारी की बात करते हैं, कट्टर ईमानदारी की बात होती है। 3-3 करोड़ रुपये टिकट बेचने वाले पार्षद के अंदर और दिल्ली में टैंकरों का धंधा करने वाले और बिजली के चोरी करवाने वाले ईमानदार कैसे हो सकते हैं? देश जानता है, गुजरात ने सबक सिखा दिया है, आने वाला चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक का है, वहाँ बड़ी बहुमत के साथ भाजपा की सरकार फिर बनेगी, ये फिर से लीड लोगे। दिल्ली का बेटा बनते जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, कभी श्रवण कुमार बताते हैं, कभी गुजरात का बेटा बताते हैं, तो क्या लगता है बेटे बनने की जो राजनीति चल रही है उसको किस तरीके से देखते हैं? नरेंद्र भाई मोदी के बढ़ते हुए सम्मान से ये लोग घबरा गए हैं। आज विदेशों के अंदर अमरीका से लेकर सऊदी अरब तक नरेंद्र भाई मोदी को आज जो है सम्मान दिया जा रहा है। G20 की भारत को मेज़बानी मिली है, इनकी हवा उखड़ गई है, इसलिए बेईमान जो बयान दे रहे हैं वो भी सोच समझ के नहीं दे रहे हैं, धोखेबाजी के अंदर आवाम को बहकाना चाहते हैं। मगर दिल्ली की जनता को सोचना होगा कि ऐसे लोगों को हमें कब बाहर करना है। एक राजनीति में देखा होगा आपने कि राहुल गांधी जी का जो नया चेहरा सामने आ रहा है, दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, भगवा गमछा लपेट रहे हैं, तो क्या लगता है जो राजनीति बीजेपी करती थी, हिंदुओं की बात करती थी, तो अब कांग्रेस भी करेगी और केजरीवाल जी भी करेंगे? भाई राहुल गांधी का चेहरा किससे मिल रहा है वो पूरी दुनिया जानती है, उनका जो अंजाम हुआ है वो भी जानती है, इसलिए उन्हें फौरन चेहरा अपना इंसानों वाला बनाना चाहिए। जैसे इंसान लगते हैं, शरीफ लोग लगते हैं, ऐसा चेहरा बना के बाहर आए वो, ऐसे लोगों का चेहरा ना बनाए जिनका अंजाम खराब हुआ है। इसलिए हमारी उनसे गुजारिश है, आप भारत के राजनीति कर रहे हैं, विदेश की बातें ना करें। युवा बताते हैं लोग उनको, युवाओं की पसंद बन रहे हैं, 55 साल के युवा जो है वो हमने बहुत कम देखे हैं और पूरा देश देख रहा है, अगर वो युवा है तो उनकी युवा ब्रिगेड की कहानी लोगों को मालूम है। मेरा नाम खुर्शीद अहमद सलमानी,
मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं, अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष हूँ। क्या लगता है अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष है, क्या लगता है मोदी जी जो काम कर रहे हैं बढ़िया काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ये सब कह रहे हैं ईमानदार ईमानदार मोदी जी ईमानदार बिल्कुल। 25 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। वो तो बेचारे वादा करते हैं, वादा करते हैं। कहाँ मैं कट्टर ईमानदार कौन? केजरीवाल जी, केजरीवाल का। वो तो कहते यहाँ से बीजेपी आएगी नहीं, लेकिन देख लो बीजेपी का आज पूरा बहुमत आया है, सरकार बनी है जी। क्या लगता है जो बात होती है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ करती नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग देखो, मेरी बीवी अगर दूसरे की तारीफ करेगी तो हर आदमी को पता लगेगा ना। बस यही है बीजेपी के अंदर कि जहाँ के रहते हो वहाँ के गुण गाओ, ये नहीं कि रहते हिंदुस्तान में पाकिस्तान के वो करो तारीफ है, बस इसकी वो है। तो क्या लगता है ये जो बात चलती रहती है कि आपके विरोधी हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास, बेहतरीन। 2024 की बात अभी से करनी शुरू कर दे हम? बिल्कुल तैयारी है, फुल तैयारी। आने नहीं देंगे, मोदी जी को टक्कर देंगे, राहुल गांधी जी और केजरीवाल। अभी भी कितनी सीटें आई उनकी गुजरात में, सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की और आगे भी बनेगी, आगे भी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, रोकने वाला कोई रोकने वाला नहीं। युवाओं की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, वो भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। अरे सर कहाँ होगी भारत जोड़ो सरकार, वो वहाँ हिमाचल में हो गए बहुत है, हिमाचल में हो गए, वो कोई भारत नहीं जोड़ रहे हैं। नहीं कोई ऐसा नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बढ़िया काम कर रही है, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। हम तो भारतीय जनता पार्टी में 25 साल से हैं, अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष भी हूँ, कोई परेशानी नहीं, हमारे सारे काम होते हैं। जिहड़ा बीजेपी ने हुण तक काम किए हैं लोग उहदे तो खुश है, लोगों विकास मिले, लोगों पानी दी सहूलतां मिल गईआं, बिजली की सहूलत मिली है, मैडिकल की सहूलत मिली है, गरीब नूं घर ते छत मिली है, खाण नूं खाणा मिलिया मोदी जी दे राज च। लेकिन केजरीवाल जी तो बड़े बड़ी वादे कर रहे थे, बड़ी बड़ी बात कह रहे थे कि बीजेपी कुछ करती नहीं है, विकास नहीं किया गुजरात में। कल्ले झूठ तो सिवाय केजरीवाल कोले कुछ भी नहीं गा, पंजाब च भी झूठ मारी जांदे आ, कोई विकास नहीं कर रहे पंजाब च। केजरीवाल जी पंजाब में विकास नहीं कर रहे ना, कोई विकास नहीं कर रहे, सिर्फ झूठा की सरकार है केजरीवाल दी। केजरीवाल जी को झूठों की सरकार, सिर्फ झूठों की सरकार। बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, बीजेपी ने विकास किया, बीजेपी नूं लोग चाहुंदे आ, बीजेपी नाल लोग खड़े है, मोदी जी के राज च लोग खुश है। 2024 की अगर हम बात करें तो क्या लगता है, संदेश गया है आज? बिल्कुल जी बिल्कुल, लोग बीजेपी बीजेपी कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से बदले बदले नजर आ रहे हैं, भगवा गमछा डाल रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया पंजाब च, गुंडागर्दी की है कांग्रेस ने हुण तक, जिन्हें कांग्रेसी है छड़ छड़ बीजेपी शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस के जदों भी घोटाले होंदे रहे। राहुल गांधी जी का नेतृत्व बदल देगा कांग्रेस को? नहीं बदल सकता जी राहुल गांधी, वो कली कांग्रेस जोड़ो आ, भारत जोड़ो दा नारा ही दिता होया उन्हां दा, वो कांग्रेस जोड़ो नहीं है, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो की कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। वो कली कांग्रेस जोड़ो है, पर कांग्रेस फिर भी नहीं जुड़ सकती, बीजेपी ना लोग जुड़ रहे हैं, बीजेपी के ना लोग जुड़ रहे हैं। आप बताइए, कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। बिल्कुल सही बात है, वो कांग्रेस की जोड़ने के लेके लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस नहीं जुड़नी उनके साथ चल रही, क्योंकि राहुल जी को पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा, उनको आपको नहीं पता लगता है मैं क्या बोल रहा हूँ देश के लिए। अरे युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, हम तो हर वर्ग की बात करते हैं। अगर हर वर्ग की बात करते होते तो फिर गुजरात में क्यों नहीं आज बीजेपी को लोगों ने फतवा दिया ना, लोग जनता ने फतवा दिया, आज इतनी सीटें देकर बहुमत दिया है तो बीजेपी ने किसी लोगों ने फतवा दिया है और पूरा बढ़िया यानी कि केजरीवाल जी का नाम है। केजरीवाल तो हर एक फ्रंट पर झूठ बोलता है, हर एक फ्रंट पर उसको झूठ की जिनकी भी मैनिपुलेट करना आता है, झूठ बढ़िया बोल तरीके से बोलना आता है, बहुत झूठ बोलता है। पंजाब में बोला मैं 1000 रुपया महिलाओं को दूंगा, लेकिन कुछ पैसा नहीं दिया, बिजली फ्री दूंगा कुछ नहीं फ्री दी, पानी फ्री दूंगा कोई ऐसा कुछ नहीं किया पंजाब में, पंजाब में सिवाय गैंगस्टरवाद के कोई कुछ उन्होंने कुछ नहीं किया हैगा। आप कह रहे हैं कि वो झूठ बोलते हैं? हाँ बिल्कुल झूठ, ईमानदारी की बात करते हैं? कोई ईमानदारी की बात तो दिखाओ उनकी क्या है अब तक, आप भी कोई भी बताओ कि कौन सी सरकार में किया, दिल्ली सरकार में की हो कोई, पंजाब सरकार में की हो, उन्होंने ईमानदारी की बात, सारे ईमानदार जन की बात करते हैं। पंजाब में जाके देखो सारे टोटली उनके करप्ट जन के जो मंत्री हैं जो कुछ भी है सब करप्शन में घिरे हुए हैं, उनके खुद एक मंत्री है जिनके जो पंजाब का झूठे आरोप में फंसा रहे हैं, झूठे उन्होंने अपने आप अपने अपने मंत्री को आप ही उन्होंने हटाया, विजय सिंगला जो उनका आपका खुद मंत्री है इनके भी स्वास्थ्य मंत्री था उसको खुद केजरीवाल ने जेल में भेजा भी, तो उनके आपके मंत्री यानी कि भी करप्शन करने लगे हुए हैं, सभी MLA सभी यानी कि उनके वो करप्शन में लिप्त हैं इस समय। क्यों दिखाई दे रहे हैं, विपक्ष वाले भी हैं, राहुल गांधी जी भी हैं, केजरीवाल जी भी,
सब भारत की जो जनता है नीतियों से प्रभावित होती है। कुछ पार्टियां जो फ्री की चीज जो दे रही हैं वो फ्री का नहीं देना चाहिए, हमें देश का भी ध्यान रखना चाहिए। आज सीमाओं पर जो काम हो रहा है वो मोदी जी की देन है। सरकार और भी आई, हम किसी की क्रिटिसाइज नहीं करते, लेकिन हमारे जवानों पर हथियार भी नहीं थे, रोड नहीं थी। आज लेह लद्दाख में जाके देखो चीन का कितना सामना करना पड़ रहा हमारे जवान, तो ये मोदी जी की देन और किसी की नहीं है।